एक किस्म का उस आजादी के आंदोलन के दौर में जो यंगर जनरेशन ने संगठित होकर के काम किया, और कुछ वर्षों के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन 1936 में बन गए, तो युवा लोग स्टूडेंट मोर्चे के पैमाने पे यंगर जनरेशन काम करने लगी, क्योंकि सर्व भारत नौजवान सभा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु उनकी शहादत के बाद, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के बाद, बिस्मिल और अशफाक उल्ला की शहादत के बाद, बहुत से युवा नेता जो उनसे पहले और उनके बाद जिन्होंने शहादतें दी, उनके बाद सर्व भारत नौजवान सभा बंद हो गई थी। लेकिन जो उन्होंने आगाज किया था, जो शुरुआत की थी, जो चिंगारी जलाई थी, वो लगातार देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ती रही। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बनी 36 में, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र संगठन बना उसकी वो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन बनी AISF, और फिर वर्ल्ड फेडरेशन डेमोक्रेटिक यूथ बना उसकी फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन भी AISF उनमें थी। बहुत जल्दी ये महसूस किया गया कि नौजवानों की संगठन फिर से देश में स्थापित की जानी चाहिए, और उसी के बाद 1959 में आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक किस्म का ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का जन्म 1959 में ही हम कह सकते, वो टेक्निकली हम कह सकते हैं, पर हमें कहना क्या चाहिए कि हम कौन सी विरासत लेके आगे बढ़ते हैं। वो सर्व भारत नौजवान सभा जिसको भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने सींचा था, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तराधिकारी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्चुअली माई फ्रेंड्स, भगत सिंह एंड हिज कोलीग्स वर्क्ड इन सर्व भारत नौजवान सभा। इट वॉज फाउंडेड बाय देयर अर्लियर लीडर्स, एंड आफ्टर दैट मूवमेंट पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट इन अ बिग वे। AISF वॉज फाउंडेड इन 1936 बिकॉज बाय दैट टाइम सर्व भारत नौजवान सभा हैड एंडेड, बट द न्यू नेम एज ए स्टूडेंट मूवमेंट कैरिड फॉरवर्ड द यंगर जनरेशन एस्पिरेशंस। इन इंडिपेंडेंट इंडिया इट वॉज फेल्ट that it is necessary to have a youth organization, so the revival happened. So I won't say the organization was set up in 1959, technically it was started in 1959 in the present context, but actually the heritage of that revolutionaries guided Sarv Bharat Naujawan Sabha, their heritage is with you, the present day All India Youth Federation. That pride you should always have. इसके साथ मैं साथियों जो कहना चाह रही हूं आपसे कि आप बहुत ही मुश्किल दौर में हैं, क्योंकि हमारा देश भी बहुत मुश्किल दौर में है। आज ऐसे प्रधानमंत्री को आप गद्दी पे देख रहे हैं जो अपनी कुर्सी की गरिमा को भी नहीं समझते, वो प्राइम मिनिस्टर की पदवी को, उस कुर्सी को भी दलदल में धकेल रहे हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। केवल वो झूठों के बादशाह ही नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान के हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो आज यंगर जनरेशन के सामने ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती केवल ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, वो तो है ही, बेकारी बहुत बढ़ गई, उसके ढेरों आंकड़े आपके डॉक्यूमेंट में मैं अभी देख रही थी दिए हुए, उस पर मैं नहीं जाना चाहती, वो है। जिनके पास नौकरियां थी उनकी छिन रही हैं, नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, और उस अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज में यंगर जनरेशन के सामने अनिश्चितता का हालात है, अनसर्टेनिटी की पोजिशन है। वो हमारे मुद्दे हैं, हमारे प्रश्न हैं, पर हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न जो आज खड़ा हो गया है, याद रखिए, युवा पीढ़ी कौन सी दिशा लेती है, किस तरफ करवट लेती है, उससे समाज और देश का रास्ता तय होता है। अगर युवा पीढ़ी बजरंग दलीय होके, RSS के लोग होके, हिंदू महासभा के लोग होके, विजिलेंटे ग्रुप बनके, गौहत्या के नाम के ऊपर
उस विषय को अपना मुद्दा बना के मानवों की हत्या के लिए उतर पड़ते हैं, अगर यंगर जनरेशन उस तरफ जाती है तो देश की और समाज की जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है, वो भ्रमित होगी। और अगर यंगर जनरेशन अपने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के रास्तों को पकड़ करके इस देश के अंदर बुनियादी परिवर्तनों की लड़ाई में शामिल होती है तो देश की दिशा कुछ और होगी, उसकी दशा भी कुछ और होगी, उसका रास्ता भी कुछ और होगा। इस बात को हमें समझना है। इसलिए युवा मूवमेंट, यूथ मूवमेंट को कभी भी यंगर जनरेशन की जो जत्थेबंदियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको हमें कभी भी कम करके आंकना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं AITUC की तरफ से विशेष करके आप लोगों की इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई हूँ, पूरी व्यस्तता के बावजूद, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाना चाहती हूँ। तो मैं चर्चा कर रही थी कि कौन सज्जन बैठे हैं। झूठ का तो वो पुलिंदा है ही, हर पल झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी गिरावट में आ जाएंगे जो उन्होंने पंजाब में किया और वहां से लौटते हुए बोला, ये तो उन्होंने हद ही कर दी, इतनी ही कर दी। उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जब वो वहां घटना हो रही थी तो हो सकता है आप ट्रैवल पे हो, आप लोगों को मालूम नहीं हो कि वहां क्या हुआ, और जो मोदी मीडिया है उसकी प्रोजेक्शन कुछ डिफरेंट कर रहा, उस पे मैं आऊंगी। पर उनके झूठों के बारे में दो चार बात तो मैं कह दूं। कभी कभी हमको लगता है कि हिटलर का जो मिनिस्टर गोयबल्स है वो आज बहुत दुखी होगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि मेरे से बड़ा तो कोई झूठा ही नहीं था, तो ये मेरे से बड़े झूठे कहां से पैदा हो गए। कपड़े में उसको बहुत तकलीफ हो रही होगी गोबल्स को। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, मेरा BSc, MSc, LLB लगातार सारी पढ़ाई वहीं हुई और रेगुलर हुई, मैंने वहीं की सारी डिग्रियां ली। और अमित शाह ने जो डिग्रियां दिखाई प्रधानमंत्री के BA MA के, वो उसी पर्टिकुलर पीरियड की दिखाई। मैं तो हर ABVP के लीडर को, RSS की बैकग्राउंड वाले को, सबको जानती थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडरशिप करती थी, ISF करती थी। इसको तो कभी नहीं देखा उस बीच में, मैं सबको जानती हूँ। अरुण जेटली मेरे कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ मेरी बहस होती थी, बहुत डिबेट्स में हम लड़ते थे, भिड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ। ये रजत तो मेरे से थोड़ा सा जूनियर है, ये जो आपकी अदालत करता है, ये भी यूनिवर्सिटी में ही था, विजय गोयल था, ये था NSY के बहुत से लीडर, ABVP के बहुत से लीडर, आई नो ईच वन ऑफ देम, जो मेरे उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में थे। मेरी जितनी डिग्रियां हैं वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखी जाती थी डिग्री, कंप्यूटर से नहीं होती थी। अमित शाह ने मोदी की उसी पीरियड की डिग्रियां कंप्यूटर वाली दिखाई। इतना ही नहीं, हमारा जो फॉन्ट है, फॉन्ट बोलते हैं ना उसको, कंप्यूटर के ऊपर जो लैंग्वेज होती है उसके अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, जिस फॉन्ट में उसकी डिग्री लिखी गई है, ये मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस फॉन्ट में वो डिग्री लिखी गई है वो फॉन्ट तब अभी हिंदुस्तान में आया तक भी नहीं था। तो अगर फ्रॉड भी करना था, कंकॉक्शन भी करनी थी, झूठ भी बोलना था, तो कम से कम पता तो कर लेते कि उस पर्टिकुलर पीरियड में डिग्रियां कैसे बनाई जाती थी, तो कुछ भी बोल देते। कुछ भी बोल दिया इन्होंने जनरल मानिकशाह के बारे में और ब्रिगेडियर के बारे में, कुछ भी झूठ बोल दिया और 24 घंटे के अंदर इनके मुंह पे चेपी लग गई कि ये झूठ बोल रहे हो तुम। अरे अजीब बात है, गुरु नानक में और बाबा गोरखनाथ में और कबीर दास में, इन तीनों के जन्म का लगभग 100-100 वर्ष का फर्क है, 100 ईयर्स का। और मोदी ने एक जगह भाषण करते हुए कहा इन तीनों का नाम लेके, वो तीनों इकट्ठा बैठते थे, तीनों आपस में चर्चा करते थे, सलाह करते थे। दिस इज योर प्राइम मिनिस्टर। हमारे यूनियन के कुछ साथियों ने रेलवे मिनिस्ट्री में RTI लगाई,
क्या आरटीआई लगाई कि वो जो पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वहां चाय बेचता था, उन्होंने आरटीआई लगाई कि वो प्लेटफॉर्म कब बना, वहां गाड़ी कब रुकना शुरू हुए। तो रेलवे वालों को तो पता नहीं था कि ये प्रधानमंत्री को काबू करने के लिए सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन आई है, उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दे दी। तो आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 49 में पैदा हुआ, ठीक है, 49 में पैदा हुए तो 7 साल की उम्र में अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे तो वो 1956 के आसपास होना चाहिए। पर ये जो प्लेटफॉर्म बना जिसका वो चर्चा करते हैं, जिस जगह की वो बात करते हैं, वो प्लेटफॉर्म 1973 में बना। अब ये बताइए, इसका तो कोई वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि जो प्लेटफॉर्म था ही नहीं, गाड़ी वहां रुकती ही नहीं थी, तो वहां चाय किसने बेची, कोई पूछे इनसे। और तो और वो भी तो निकाल लिया किसी ने कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वो जो क्रिकेटर होता था बाद में वो कांग्रेस लीडर था, वो इंटरव्यू ले रहा है। वो कब इंटरव्यू ले रहा है, जब लाल कृष्ण आडवाणी के साथ खूब रथ पे यात्रा किए, वो उन्होंने ही तैयार किया इस सज्जन को। तो उस यात्रा के बाद उनकी वो इंटरव्यू ले रहा है और उस इंटरव्यू में पूछ रहा है, आप कितना पढ़े हैं, सुना है आपको बहुत शौक है कंप्यूटर का, लेकिन आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। वो बोले मैं 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और मैं पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी, मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई उसके बाद नहीं किया, फिर भी आप कितना पढ़े, स्कूल पास किए क्या, 5 पास, 8 पास, नहीं नहीं ये मैट्रिक कर लिया मैंने, स्कूल पास कर लिया, उसके बाद निकल गया घर से, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना ही पढ़ा हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, तब अभी वो गुजरात के सीएम भी नहीं हुए थे, उस समय की उनकी इंटरव्यू है। उसके बावजूद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि झूठ, बड़े से बड़ा झूठ और ट्विस्टिंग करना, चीज़ों को दांपेच खेलना, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए गड्ढे में गिरना, गटर की भाषा बोलना, ये कोई इनसे सीखे, ये कौन नहीं जानता, खुद प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी एसपीजी करती है। वो उस राज्य में जाएं जहां बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की है कि जगन की पार्टी की है कि ममता की पार्टी की है कि शिवसेना की है, किसी की भी है, किसी भी पार्टी की है, सत्ता की या गैर सत्ता की, उस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो उसकी सिक्योरिटी एसपीजी देखती है, स्टेट नहीं देखती है। स्टेट को केवल बताया जाता है आप हमें इतनी फोर्स दीजिए, 5,000 सिपाही दीजिए, 10,000 सिपाही दीजिए, 15,000 सिपाही दीजिए। ये ट्रू होगा जब प्रधानमंत्री खुद बीजेपी के राज में, योगी के राज में भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में। नो स्टेट गवर्नमेंट लुक्स एट द सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नोन टू हिम। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, उसको बुद्धू मत समझिए, वो जानता नहीं है ऐसा मत समझिए। हाँ, इतिहास के मामले में पैदल है ये मालूम है, ये मालूम है हमको, लेकिन जब एसपीजी सिक्योरिटी देखती है तो इन्होंने क्या दाम खेला। इनको पता लग गया कि लगभग 80,000 से ऊपर कुर्सियां हैं और उन कुर्सियों पे 700 के करीब ही अभी लोग विराजमान हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उन 700 लोगों को तो एड्रेस करने जाएगा नहीं। एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हैं बठिंडा, पब्लिकली प्रोग्राम आपका अनाउंस्ड है और जो अनाउंस्ड प्रोग्राम है उसमें ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर बठिंडा उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाएंगे। 4 जनवरी को ये प्रोग्राम अनाउंस होने के बाद किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड किया हम फिरोजपुर जाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे प्रधानमंत्री को। उसी हिसाब से कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशंस उधर की तरफ कूच करें।
तो वो अपने उस प्रोग्राम के हिसाब से कर रही थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो एसपीजी थी उसने फैसला लिया या खुद प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लेके उनको हुक्म दिया, एयरपोर्ट पे उतरने के विद इन 10 मिनट्स दे डिसाइडेड कि हम बाय रोड जाएंगे। अब जब इन्होंने बाय रोड जाएंगे डिसाइड कर लिया तो नेचुरली ये किसकी ड्यूटी है? पंजाब सरकार को बताने की कि अब हमने ये निर्णय ले लिया है, उसी एसपीजी की है। Nobody can know the program of Prime Minister or President of India or Vice President of India or Chief Justice of India until and unless जो security उनके साथ लगी होती है वो नहीं बताती है, reveal नहीं करती। This is known to Prime Minister. Then why he decided to go on road? उसी बारिश के अंदर। और उसके बाद जब इनको पता लगा कि particular flyover जो है वो आगे से जाम है, तो ये उससे काफी पहले रुक गए। और जो किसान जिनको जाने नहीं दिया जा रहा था फिरोजपुर, जगह जगह पे पुलिस ने उनको रोका, जहां जहां रोका वो वहीं जाम लगा के बैठ गए। अब वो वहां जाम लगा के बैठे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा और उनको मालूम भी नहीं कि उनके कुछ किलोमीटर पीछे प्राइम मिनिस्टर का काफिला रुका हुआ है। किसानों को मालूम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी अचानक आप रास्ता चेंज करने के बाद बता रहे हैं, तो भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है फैसला लेने का। फैसला एसपीजी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट से एडिशनल जो भी फोर्सेस मांगी जाएंगी उसने देनी है। वहां गवर्नमेंट कांग्रेस की है, आज किसी और की भी हो सकती थी, कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, किसी और पार्टी की, किसी भी की हो सकती थी। क्वेश्चन ये है कि उस स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम को डिजाइन करने का। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एयरपोर्ट पे चलते चलते वहां अधिकारियों को कहा कि चन्नी को कह देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, आपकी इस यूथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहती हूं, जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए किसान थे उनमें से तो 700 से ज्यादा अपने घर जिंदा नहीं बच पाए, तुम्हारा एक भी आंसू बहा उनके लिए? पार्लियामेंट में उनके लिए वो कंडोलेंस पास किया? और जब उससे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि वहां तो 500 लोग मर गए, और खुद उसने भी पूछ लिया था, इन्हीं का जो मेघालय का गवर्नर है मलिक, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? वो 500 लोग मेरे लिए थोड़ी मरे थे। ये क्या एटीट्यूड है? ये सारा ड्रामा खेला गया है। उत्तर प्रदेश में इनकी हालत पतली हो रही है, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, पूरी कोशिश के बावजूद कि कैप्टन अमरिंदर इनके साथ जुड़ा है, उसके बावजूद भी तो फिर ड्रामा खेलना है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, यूपी में भी उसका इंपैक्ट देना है, और पंजाब में तो कोई राम मंदिर का या कृष्ण मंदिर वाला इशू है नहीं। वहां इशू तो यही हो सकता है ना कि वहां के लोग जो है वो खालिस्तानी हैं, आतंकी हैं, यही इशू हो सकता है। और हम शुरू से बोल रहे थे कि ये पहले मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, फिर क्रिश्चियंस को टारगेट करेंगे, फिर सिख्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि इनकी फलसफा हिंदू राज की जो है वो हिंदुओं का राज बनाने की नहीं है, वो आरएसएस की सोच का राज बनाने की है, हिंदू राज बनाने की नहीं है इनकी, आरएसएस की सोच का राज, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ये। इसलिए हम उसको समझना चाहिए कि हम बहुत बुरे दौर में, बहुत ही बुरे दौर में। मुझे ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहिए, आपकी डिस्कशन सुनी है, आपको बातचीत करनी है, अपनी कॉन्फ्रेंस को के बहुत से नतीजे निकालने हैं, तो भी मैं 2-3 बात ही और कह के विराम लूंगी। पहली बात तो ये कि ये अपनी माँ के लिए बिल्कुल सच्चे हैं, कमिटेड हैं, और इनकी माँ गाय नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए, इनकी माता आरएसएस है और ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, तो ये बिल्कुल सच्चे सपूत हैं अपनी आरएसएस के, क्योंकि आरएसएस के फाउंडर हेड गुवार ने जब आरएसएस बनाई थी तो हेड गुवार से पूछा गया था कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज है, जलियांवाला बाग का कांड हो चुका है, सैकड़ों लोग मार दिए गए,
असहयोग आंदोलन हो चुका है, बापू गांधी ने आंदोलन वापिस ले लिया, नौजवान गुस्से हो गए, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया, नौजवान अपने सिर कटाने के लिए तैयार है। तो क्या ये जो आरएसएस बन रही है ये भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाएगी? मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, ये मैं नहीं कह रहे, आपके गुरु ने कहा, आपके फाउंडर ने कहा, जिसके आप स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, उसने कहा हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। उनसे पूछा गया तो आपकी फिलॉसफी क्या है, विचारधारा क्या है, तो हेडग्वार ने कहा हमारी फिलॉसफी, हमारी विचारधारा नाजीवाद और फासीवाद है। तो आज अगर हम कहते हैं कि इस सरकार के इरादे फासिस्ट हैं, नाजिस्ट हैं ये लोग, तो ये हम नहीं कह रहे, इनके गुरु ने निर्धारण किया ये रास्ता, उसने ये बोला। और फिर कहा गया तो फिर आपका प्रेरणा स्रोत क्या है, तो क्या जवाब था हेडग्वार का? हिटलर जर्मनी का और मुसोलिनी इटली का। क्या ये सच नहीं कि हेडग्वार के गुरु मुंजे को भेजा गया वहां, और इटली से ट्रेनिंग लेके आते हैं वो मुसोलिनी से, और फिर यहां आरएसएस की ड्रेस इंट्रोड्यूस की जाती है, और ये इटली के नाजी लोगों की ड्रेस थी, ये जो खाकी निकर, काली टोपी और सफेद शर्ट, तो ये इटली के नाजियों की जो ड्रेस थी, उस ड्रेस को यहां इंट्रोड्यूस किया गया आरएसएस के लिए। तो कोई ये बताएगा हमको कि जब इनसे पूछा गया फिर आप किससे लड़ोगे भाई, आपकी लड़ाई किससे है, फिर क्यों संगठन बन रहा है? तो हेडग्वार ने कहा हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, हमारी लड़ाई ईसाइयों से है, और हमारी लड़ाई लाल झंडे से है, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन बहुत मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा था, और उस ट्रेड यूनियन आंदोलन का झंडा उस वक्त लाल था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। उसी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, 1925 में आरएसएस बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहती है कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे, और जो नया भारत को निर्माण करेंगे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई बिना इलाज ना रहे, सबके हाथों को काम मिले, हर बच्चे को कापी किताब मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, काम खाली हाथ खाली ना हो, उसको काम मिले, काम के पूरे काम मिले, आज और भविष्य उसका सुरक्षित हो। तो कम्युनिस्ट ये कह रहे थे, और उसी 1925 में आरएसएस बन रही थी माता श्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, और उस माता श्री के जो संस्थापक थे वो ये कह रहे थे कि उनकी प्रेरणा स्रोत हिटलर है, मुसोलिनी है, उनका फलसफा नाजिज्म है, फासिज्म है, उनका रास्ता इस देश में मुस्लिम से, ईसाइयों से, लाल झंडे से लड़ाई करना है। और इसीलिए ये लोग जब टुकड़े टुकड़े गैंग के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, तो हम लोग इनको ये कह के काउंटर करते थे कि तुम्हारे सावरकर ने किताब लिखी 31-32 के अंदर, उसने प्रोपेगेंडा किया कि हिंदुस्तान को हिंदुओं और मुसलमानों के नाम के ऊपर बांट देना चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े की सियासत आरएसएस बीजेपी करती है, या कि उनका विरोध करने वाले उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले करते हैं, ये हमारा प्रश्न है उनसे, और हम भूलना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि हमारी यंगर जनरेशन इस बात को भूले। जब तय किया गया कंप्लीट फ्रीडम का नारा, मुझे फख्र है, मैं आईटीयूसी की तरफ से आपका अभिनंदन करने के लिए आई हूं। ये आईटीयूसी ने 1921 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के नारे को झरिया में पास किया था, जो झारखंड के अंदर है, तब बिहार में था। 8 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा पास हुआ, 8 साल पहले इस देश की वर्किंग क्लास ने उस नारे को पास किया। लेकिन जब वो नारा पास हुआ 1929 में, तो आरएसएस का क्या रोल था? उन्होंने बायकॉट किया, उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। जब ये डिसाइड हुआ कि तिरंगे झंडे के नीचे स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा, तो इन्होंने उसकी होली जलाई, उस झंडे को पैरों के नीचे कुचला, और अभी सत्ता में 2014 में बैठने तक इनकी इस तिरंगे के प्रति इतनी ही की सोच और समझ थी कि इस झंडे को पैरों के नीचे रोकना चाहिए। और उसी तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के वो हमारी कठुआ वाली जो बच्ची थी, उसके अपराधियों को बचाने के लिए ये लोग उस झंडे को लेकर, ये बीजेपी के लोग सड़कों पे निकले थे ताकि एफआईआर ना हो उन अपराधियों पे।
ये तो आज हमारे झंडे की भी बेइज्जती कर रहे हैं जो देश का झंडा है। और इसीलिए संविधान, संविधान के मूल्य, उसकी कदरें, उसके आदर्श, उसके रास्ते, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखे आज की यंगर जनरेशन। इसलिए आपकी लड़ाई केवल छोटे पैमाने की लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि यंगर जनरेशन को इतना पॉइजन किया गया है, इतना ज्यादा पॉइजन किया गया है कि आप ये समझ लीजिए, जिन बच्चों को अभी गिरफ्तार किया है, पहले वो सल्ली का कांड हुआ था और उसके बाद ये बुल्ली का कांड हुआ है, और ये बुल्ली के कांड में जहां पर व्हाट्सएप के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर मुस्लिम लड़कियों की और महिलाओं की ऑक्शनिंग का ड्रामा किया गया, उस बुल्ली के अंदर जो बच्चे पकड़े गए हैं उसमें 18 साल की उम्र के, 20 साल की उम्र के, 22 साल की उम्र के बच्चे पकड़े गए। नफरत भरती गई है दिमागों के अंदर, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स सिर चढ़ करके बोल रही है, और प्रधानमंत्री उसके खुद अगुआ बने हुए हैं। वो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और उनके चेले वाले सब उस नफरत की आंधियों को फैलाने में लगे रहते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो उन्होंने हरकत की है पंजाब के अंदर, वो पूरे पंजाबियों के ऊपर हमला है, पंजाबियत के ऊपर हमला है। वो पाकिस्तान नहीं है, वो पंजाब है। जो पंजाब पाकिस्तान के उधर से आने वाले हमले का सबसे पहला मुकाबला करने के लिए उसका